हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे लॉजिकल एंड एनालिटिक एबिलिटी। जैसे हमें फाइंड आउट द मिसिंग टर्म निकालनी है, कैसे निकाल सकते हैं? पहले तो हमें गिवन क्या सीक्वेंस देखनी होगी। पहले इसका आंसर आप क्वेश्चन पढ़ो और इन तीनों को कमेंट करो, देखता हूँ इसका सबसे पहले कमेंट आता है, इन तीनों में से कौन कौन सही बताता है, इसका आंसर क्या हो सकता है। MLONQPS। अब हमें पहले राइमिंग समझनी होगी, अल्फाबेट्स में क्या राइमिंग क्या है। जैसे एल के बाद क्या आ रहा है हमारा, एम आ रहा है, एन से बाद ओ, पी के बाद क्यू, तो S के बाद क्या आ सकता है, यहाँ पे कौन सा वर्ड आना चाहिए यहाँ पे हमारा आंसर में? R आ सकता है, R के बाद आता है P Q R S होता है, तो इसका आंसर क्या होगा? R। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व। वैसे ही सेकंड क्वेश्चन समझते हैं, इसकी रिमाइंडर 7761 2986। सबसे पहले हम इसको देखते हैं, इतना बड़ा नंबर आ रहा है, फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा, छोटे जा रहे हैं नंबर, क्या करेंगे पहले इसको डिवाइड करके देखो। इससे डिवाइड करके देखो 776 को 1296 से, इसको डिवाइड करके देखो, मैंने तो करा हुआ सीधा, आप आंसर कमेंट करें 6। इसको इससे करके देखो, इसमें भी 6 आ रहा है, इसको इससे करके करो तब भी 6 आ रहा है, इसको इससे करोगे तब भी 6 आ रहा है, तो 6 को 6 से डिवाइड करें, अगर हम 6 को 6 से डिवाइड करें तो आंसर क्या आ सकता है? 1। तो इसका आंसर क्या होगा? 1। पहले का है आर, दूसरे का 1। अब तीसरा देखते हैं हमारा, तीसरा क्या है? के पी ए एल क्यू बी MRC, NST। अब इसका सबसे पहले बताओ क्या आंसर हो सकता है, कमेंट करें। दोबारा बोल रहा हूँ, देखते हैं इसका आंसर सही आता है क्वेश्चन का। इसके राइमिंग से मीन समझो, K के बाद L, P के बाद Q, फिर R के बाद S, ऐसे A, B, C, D। D के बाद क्या आ सकता है हमारा लास्ट वर्ड अगर भरे हम, तो पहले D के बाद क्या आएगा? E। उसके बाद दोबारा P, Q, R, S, T आ सकता है। अब इसको देखो, K, L, M, N, O। तो ये हो सकता है हमारा राइमिंग से मीन, देख लो A, B, C, D, E। P Q R S T K L M N O। तो ये इसका आंसर क्या होगा? Q T। कमेंट करें इसमें तीनों का, तीनों में क्वेश्चन में से किसके तीनों ही सही है आंसर, मैं उसका पिन करूंगा कमेंट की, तीनों ही उसके आंसर सही आ रहे हैं। आज की वीडियो कितने जिनों में, तब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं कर जाके सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर, शेयर कर, कमेंट करें। थैंक यू।